वो इन्फ्लुएंशियल होता है टीम सिलेक्शन के लिए। सॉरी, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं जो कि परफॉर्मर्स पहले टीम मैनेजमेंट को दिखते नहीं, लेकिन जैसे ही क्रिटिसिज्म होती है वो परफॉर्मेंस उनकी जो है वो एक्सेप्ट भी की जाती है, उन्हें टीम में भी शामिल कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो तनकीद है, जो तनकीद की जाती है वो प्रेशराइज करती है टीम मैनेजमेंट को, और उसके बाद फैसले सही भी होते हैं और रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़, आई थिंक कि ये बड़ा ज़रूरी है मीडिया के लिए कि जो भी डिज़र्विंग प्लेयर्स होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बिल्कुल उनको बोलना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए उनको। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर देखें कि टीम को क्या रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, कौन से प्लेयर की ज़रूरत है टीम को और कहाँ पे हमने खिलाना है। लेकिन कई दफा आप जब बाहर से बैठे होते हैं, दूर से बैठे होते हैं, तो आपके पास वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती जो कि वहाँ जो प्लेयर्स के साथ लोग होते हैं उनको नज़र आ रही होती है टीम की ज़रूरत। और कई दफा आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचते हैं, कई दफा आप शॉर्ट टर्म देखते हैं, और उस ऑन बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस करते हैं जो जब आप टीम के साथ नहीं होते तो आपको उनका अंदाज़ा नहीं होता। तो आई थिंक दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। क्रिटिसिज्म किसी, अगर कोई भी प्लेयर अगर डिजर्विंग है उसके हक में बोलना, ये काम है मीडिया का, ज़रूर करना चाहिए, और टीम मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है या सिलेक्शन कमेटी के लिए भी, डिजर्विंग प्लेयर्स को जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ उनकी जगह बनती है, उनको ज़रूर मौका दें। मिसबा, दोनों ओहदे और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है टीम की, पहले भी जो T20 में रही, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रही, और रावलपिंडी टेस्ट भी हम ड्रॉ खेले, ICC टेस्ट चैंपियनशिप है, और अगर ये टेस्ट मैच खुदा ना खास्ता इसका भी रिजल्ट अगर ठीक नहीं आता, तो क्या मिसबा उलग का फोकस होगा कि किसी एक तरफ, चाहे हेड कोच चाहे चीफ सेलेक्टर, किसी एक तरफ हो जाए ताकि जो है टीम की उनसे जो पूछ गए जो ज़्यादा होती है वो कम हो? देखिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो किसी चीज़ से कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है या बेहतरी आ सकती है तो फिर तो आप कोई भी डिसीजन करते हैं। बट ओवरऑल आप सब लोगों के सामने है कि टीम जिस फेज से गुजर रही है, हमें अपनी बॉलिंग को डेवलप करना है और सर्टेन एरियाज हैं, ये कोई अभी शुरू नहीं हुआ। आई थिंक कि हम स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में लास्ट जो दो सीरीज इससे पहले भी खेले हैं उससे हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑब्वियस थी। हमारी जो बॉलिंग है वो ऑब्वियस थी। 3 मैचेस हम साउथ अफ्रीका में हारे, फिर होम सीरीज हार गए यहाँ पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने, अब अगर सेटल करना है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना, और वही हम कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी भी यही कोशिश है कि मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करूँ। टीम में अगर बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आए तो ऐसी है कि परमानेंट सोल्यूशन हो पाकिस्तान के लिए, ये ना हो कि हम एक दो सीरीजें या एक दो मैच के लिए सोचें और फिर मेरे जाने के बाद जो आए उनके उनको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े जो आज टीम को टीम जो फेस कर रही। मिसबा, आपका तकरीर 3 साल के लिए हुआ है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो चेयरमैन का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा 1 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। टीम की परफॉर्मेंस आजकल इतनी अच्छी चल नहीं रही, तो इससे कुछ दबाव बढ़ा है आपके ऊपर? पता नहीं वो दबाव क्या होता है जी। दबाव कुछ नहीं है इंसान के लिए, इससे बड़ा कोई दबाव नहीं है कि आप, आपकी जो जिंदगी है वो यहाँ पे टेम्परेरी है, बस इस यही प्रेशर है और कोई प्रेशर नहीं। और मेरे ख्याल में कोई भी आता है पूरी कोशिश आप करते हैं, मेरी पूरी कोशिश है जितनी देर रहूं मैं अपनी सारी जो एनर्जी है वो पाकिस्तान टीम या इस जो प्लेयर्स की डेवलपमेंट और उसकी बेहतरी के लिए लगाऊं, और ऑब्वियसली उसी की कोशिश कर रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूं। मिसबा, पाकिस्तान जब टेस्ट नंबर 1 बना तो उसमें कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस बड़ी मैटर करती थी, वो परफॉर्म कर रहे थे अंडर सरफराज, हमारी सरफराज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से भी टेस्ट की नतीजे पे बातें होती हैं। अब अजहर अली की फॉर्म सिर्फ ये 3 टेस्टों की बात नहीं है, उससे पहले भी उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, तो एज हेड कोच आपके लिए कितनी तश्वीश की बात है कि आपका कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा, मीन वाइल हारिस सुहेल परफॉर्म नहीं कर रहा, वो टीम में है, काशिफ भट्टी 327 आउट करके आया लेकिन बेंच पे बैठा हुआ है, फवाद आलम डबल सेंचुरियां बना के आया बेंच पे बैठा हुआ है, तो एज अ हेड कोच मुश्किल में आप? मुश्किल है लेकिन
مسئلہ یہ ہے کہ 11 ہی کھلا سکتے ہیں، جیسے سری لنکا کو کہتے ہیں یار 16 کھیل لیتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ جہاں پہ جس کے ٹائم بنے گا دیکھیں، جلدی نہیں کر سکتے آپ. آپ کوشش ہماری یہی ہے کہ مناسب موقع ملے سب کو، اور جہاں جس بندے کی ضرورت پڑے ہم اس کو ضرور کھلائیں. کاشف بھٹی بھی ٹیم کے ساتھ ہے، آبویسلی ایز اے بیک اپ اسپنر گیا تھا وہ آسٹریلیا میں. کہیں ایسی سچویشن نہیں آئی کہ ہم دو اسپنر کھیلیں، اور جہاں آئے گی ضرور کھیلے گا. آبویسلی اس نے بڑا پرفارم کیا ہوا، تین سیزنوں سے اس کے آؤٹ تھے، اور ایز اے بیک اپ اسپنر ہے آپ کے پاس. اسی طرح فواد علم ٹیم میں آیا، پلیئر ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پلیئر آپ کی 11 میں کبھی بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے ہوتے ہیں. اور ہوپ فلی جو آؤٹ آف فارم بھی پلیئر ہیں، آئی تھنک کہ حارث کا ایک ٹیسٹ میچ گیا، اس سے پہلے اس کی پرفارمنسز پچھلی دو سیریز میں بہت اچھی تھیں، اس لیے ہم اس کو رائٹ آف کرنے کی بجائے کوشش کر رہے ہیں. ٹی ٹوینٹیز میں نہیں اسکور کیا، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں آئی تھنک اس کی اگر پریویس دو سیریز دیکھیں تو اس نے بڑا پرفارم کیا. اس نے 200 کیے ہوئے ہیں، ساتھ اور بھی اس کی کنٹریبیوشنز ہیں، اس لیے اس کو موقع دے رہے ہیں. اظہر علی کی بھی پرفارمنسز آپ کے سامنے ہیں، اس نے پچھلے 3 ٹیسٹ میچ ٹھیک ہیں جی نہیں پرفارم کیا، اس سے پہلے دنیا کے ہر ملک میں جا کے ہر جگہ پہ اس نے پرفارمنسز کی ہیں. تو آبویسلی آؤٹ آف فارم ایک کنسرن ضرور ہوتا ہے، بٹ آپ پازیٹیو سوچتے اور سوچتے ہو کہ یہ پلیئر جو آلریڈی اتنا پرفارم کر چکے ہیں انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. مصباح، یہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے، اس کے فارمیٹ سے آپ مطمئن ہیں؟ اور کیا انڈیا 360 پوائنٹ، آسٹریلیا بھی بہت آگے نکل گیا، دوسری ٹیموں کو کیچ اپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی؟ ظاہر ہے جی، وہ تو ہے. جو ٹیمیں زیادہ کرکٹ کھیلتی ہیں اور اسپیشلی جو ہوم میں بہت زیادہ جن کے میچز ہیں، ان کو ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا. جب آپ کم کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز کم ہوتی ہیں. یہ ظاہر ہے ہمارے لیے اس ٹائم پہ پرابلم ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ جو بھی ہے آپ کوشش کریں کہ چلیں جتنے بھی میچ ہمارے ہو رہے ہیں ان کو ان میں جیت کے کہیں نہ کہیں ہم اس ریس میں واپس آئیں. ڈیفیکلٹ ہے، کم کرکٹ کھیلنے والی ٹیموں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، بٹ دس از ہاؤ اٹ از. مصباح، جو آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہے سری لنکن کاؤنٹر پارٹ میں کیا تھا، وہ اس سے 3 سال پہلے پاکستان کے کوچ لوگ، ان کا بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی ڈریسنگ روم میں کیا چل رہا ہے. انفیکٹ ابھی انہوں نے کہا بھی کہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پلیئرز کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ چیز اس ٹیسٹ میں سری لنکا کو بھی ٹیکل کرنے میں ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے اپوننٹ ہیں ان کو آئیڈیا ہے کیونکہ وہ اسی انوائرمنٹ سے گئے؟ میرے خیال میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو کافی حد تک ویسے بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور سملر سارٹ آف سچویشنس اور سملر سارٹ آف کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم کیا سوچ رہی ہے. پہلے ٹیسٹ میں ان کو ہمارا آئیڈیا تھا، ہمیں ان کا آئیڈیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہوگی. اس میں بھی میرے خیال مور اور لیس دونوں ٹیمیں ایک ہی انداز سے سوچتی ہیں، تو یہ پلاننگز ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. مصباح، ابھی تک جیسے 3 مہینے یو ہیو بین ان چارج، اب سب سے زیادہ پازیٹیو چیز آپ کو کیا نظر آئی ہے ٹیم میں اب تک 3 مہینے ان چارج؟ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس ٹائم پہ، ہم لوگ آسٹریلیا سیریز کی جیسے بات کریں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری بیٹنگ، جس طریقے سے وہاں پہ ہم جن کنڈیشنز میں کھیلے، اور بابر اعظم کی بیٹنگ، آئی تھنک دیٹس اے بگیسٹ پلس، جس طریقے سے اس نے اسٹیپ اپ کیا، اور پھر یہاں پہ بھی پہلے ٹیسٹ میں جس طریقے سے اس نے 100 کیا، آئی تھنک بگ شفٹ ہے اس کی جو بیٹنگ میں. یہ دو ہم لوگ وائٹ بال کا تو سوچتے تھے، بٹ ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے وہ اب ڈومینیٹ کر رہا ہے، آئی تھنک دیٹس اے بگ بگ پلس فار پاکستان. ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف دیکھیں، ینگ بالنگ اٹیک آیا آپ کے پاس، اور میرے خیال میں بہت بڑا پازیٹیو ہے جس طریقے سے شاہین نے بالنگ کی اور نسیم شاہ کنسسٹنٹلی ہٹنگ 140 پلس اور اچھے ایریاز میں بال کرنا، اور لمبا ٹائم ہے ان دونوں کے پاس، دے ریئلی کین بی ڈیولپ ان ٹو میچ ونرس. ابھی بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور فیوچر لمبا فیوچر ہے انشاءاللہ.
डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत अच्छे इन दोनों की सूरत में बॉलर्स मिलेंगे। तो आई थिंक ये अभी जितनी हम बड़ी थोड़ी सी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन इसमें ये बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के। मिस्बा, जब प्लेयर इन फॉर्म होता है तो उसको उसी वक्त मौका मिले तो परफॉर्मेंस भी सामने आ जाती है। T20 में शहजाद और उमर को कमबैक किया गया, PSL के परफॉर्मेंस पे 6 से 8 महीने का गैप था तो वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अभी मिस्बा फवाद और काशिफ वो है इन फॉर्म में, काशिफ भट्टी, और उनको मौका नहीं मिले, और बाद में आप अगर उनको मौका करते हैं और उनको खिलाते हैं और वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो जिम्मेदार कौन होगा? देखें, वेट तो आपको करना पड़ता है। जाहिर है जब आपके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, कोई जो पहले से आपकी टीम में खेल रहे हैं, हमेशा जब मौका मिल कहीं निकलता है तो फिर आप किसी को मौका देते हैं। दिस इज हाउ इट इज। आई मीन, ये नहीं हो सकता कि आपकी टीम में कोई प्लेयर खेल रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल लेवल पे की हैं और 2-3 मैचों की बुरी परफॉर्मेंस पे उनको आप हटा के तो दूसरे प्लेयर को ले आए। आप हमेशा जरूरत पे ही लाते हैं नए प्लेयर को, और उसको फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मिलती है, आई थिंक वही उसके पास मौका होता है, उसमें उसने परफॉर्म करना होता है। और ये नहीं हो सकता कि आप जो आपके सेटल प्लेयर खेल रहे हैं उनसे पहले आप दूसरी तरफ नहीं जाते, और ऑब्वियसली यही दुनिया में होता है और यही हमारी भी कोशिश है। ड्यू जहाँ पे हम सोचते हैं कि नाउ दिस इज आवर प्लेयर, हमें इसकी जरूरत है, अभी हम इसको खिलाना है, तो उस वक्त आप उसको जरूर चांस देते। कल आपने अचानक नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट किया, आपके साथ हेड कोच मिसबाह उलग भी थे और कप्तान अजहर अली भी थे, तो अच्छा आपने विकेट का विजिट भी किया, तो क्यूरेटर को क्या आपने हिदायत दी कैसे विकेट बनानी है? 19 दिसंबर से मैच शुरू हो रहा है कराची टेस्ट, उसको कैसी विकेट बनानी, क्या हिदायत दी आपने? दूसरा दूसरा क्वेश्चन भी आप ले लें। देखें, विकेट के हवाले से मैं क्लियर कर दूं, हम तो सिर्फ कल देखने के लिए आए थे पिच को। मेरी इंस्ट्रक्शंस इस सीरीज से पहले ये थी कि हमारी बिल्कुल हम क्लियर हैं कि हमने सपोर्टिंग पिचेस पे खेलना है। सपोर्टिंग मतलब कि जो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करें, और यही इंस्ट्रक्शंस थी और क्यूरेटर्स ने कोशिश की। पिछली पिच पे भी आई थिंक काफ़ी हेल्प थी फास्ट बॉलर्स के लिए, और इस पिच के हवाले से भी यही था कि ग्रास कवर रहे और हमारे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले, थोड़ा सा गेंद उस पर पेस और बाउंस हो। लेट्स सी, कोशिश की है उन्होंने, बट वही चीज़ है कि पाकिस्तान का वेदर और यहाँ की कंडीशंस, समटाइम्स जो आप चाह रहे होते हैं वो चीज़ आपको मिलती नहीं पिच से। उम्मीद करते हैं कि वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पिच खेले। मिसबा, रावलपिंडी और कराची की कंडीशंस जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आपने भी बात की कि आप जो है सपोर्टिंग विकेट रखेंगे, तो क्या स्पिनर्स को रखेंगे या नहीं रखेंगे? दूसरे ये कि बाकी क्योंकि देखें जो टीम का डिसीजन है वो तो जाहिर है आप फाइनल डे जब आप सुबह में पिच देखते हैं तो फिर करते हैं। एंड ऑब्वियसली स्पिनर्स का रोल है कराची में, बिल्कुल रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 दिन पिच, 5 दिन अच्छा मौसम मिलता है, सूरज, तो ऑब्वियसली यहाँ आप स्पिनर के रोल को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, बट फाइनल जो डिसीजन है वो इंशाल्लाह लास्ट डे करें। मिसबा, पाकिस्तान की टीम, आप अब हेड कोच हैं, रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है, आपको कोई पर्सनल टारगेट तो होगा कि अगले साल इस सीरीज तक टीम को बड़ा बैलेंस कर देना है, पूल ऑफ प्लेयर्स रेडी कर लेना है, इंग्लैंड सीरीज भी है, फिर अवे सीरीज न्यूजीलैंड से भी है, क्या प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि जब तक हम इंग्लैंड को प्लान कर रहे हैं तो हमारी टीम, स्पेशली हमारी बॉलिंग लाइनअप और हमारा एक सेट कम्बिनेशन बन जाए, और काफ़ी हद तक ये जो डेवलपमेंट का एक सिलसिला भी चल रहा है, जो अभी थोड़े इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, इसको अगर हमें मैचेस नहीं भी मिलते तो कैंप्स और जिस तरीके से भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस दें, इनको मिडिल का एक्सपीरियंस दें, इनके साथ काम करें और एक प्रॉपर हमारी जो एक कम्बिनेशन है सेट हो जाए इंग्लैंड से पहले पहले। मिसबा भाई, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, जाहिर है कोई फैसला क्लिक कर जाता है, कोई बैकफायर कर जाता है, जिस तरह रावलपिंडी में हमने देखा कि आपने स्पिनर नहीं खिलाया, तो
क्या समझते हैं अभी तक आपने जो भी फैसले लिए हैं, लाइक उमर अकमल को खिलाया, फिर अहमद शहजाद को खिलाया, चार फास्ट बॉलर्स उतारे, तो अभी तक आपने जो ये फैसले लिए हैं उससे आप खुद मुतमईन हैं? तनकीद तो हो रही है, क्या आप खुद मुतमईन हैं उस पर? देखें, आप बिल्कुल एक चीज को देखते हैं सारी चीजों को सोचते हुए। मेरे ख्याल में अभी भी आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इस चीज से, मेरे ख्याल में आप भी कहेंगे कि जब उमर अकमल और अहमद शहजाद खेले हैं उस साल की उनकी जो पिछली PSL की और उस साल की भी सीजन की परफॉर्मेंसेस थी वो T20 में बहुत अच्छी थी। और उसी बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया को जहन में रखते हुए कि जो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं उनको लेके आए, ठीक है जी, नहीं परफॉर्म कर सके, ऐसा होता है, आपके जो प्लेयर खेल रहे होते हैं वो भी नहीं करते। पिंडी में भी मेरे ख्याल में मैं दिसंबर में आई थिंक जितने भी फर्स्ट क्लास के मैचेस खेला हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने वहाँ पे अगर 400-500 भी किए हैं, मैंने कभी स्पिनर को एक गेंद भी खेला हो, ना वो को टीम वहाँ पे खिलाती है और ना ही स्पिन होता है। आपने भी देख लिया लास्ट डे कितना स्पिन हुआ वहाँ पे, तो इनफेक्टिव होता है। और दूसरा पिंडी में हमें पता था कि दो दिन तो वैसे ही आपके मैच नहीं होना, बारिश है, और जो जितने दिन मैच होना है वो भी 70 ओवर्स या 71-72 ओवर्स से ज्यादा मैच नहीं होना, तो उसमें जब तक आपके पूरे 450 ओवर्स का मैच ना हो, स्पिनर का रोल इतना आता नहीं, कहीं पे उसको बॉल मिलती नहीं, और फिर ओवर कॉस्ट कंडीशन। सो आई थिंक राइट डिसीजन था, एक ही चांस था कि हम पहले बॉलिंग करते, अगर कहीं वो दूसरी टीम को हम जल्दी आउट कर लेते तो और एक इनिंग खेल के शायद को रिजल्ट आया था मैच का। नहीं हुआ, बट आई थिंक मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन मुझे कभी भी डिसीजन करना पड़े, ये डिसीजन करूँ।